बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार आपको। अगर आप अतीत में विश्वास रखते हैं तो भीमबेटका आपके लिए बेस्ट जगह है। यहाँ पर जो शैल चित्र है पत्थरों पे, जो कलाकृतियाँ बनी गई है, लाखों वर्ष पुरानी है, तो उनको देखने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। और दीवारों पे जो नक्काशी, चित्रण, कलर का इस्तेमाल जो किया गया है मध्य पाषाण काल से लेके पुराने इतिहास से, वो सब आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भीमबेटका के विश्व विख्यात शिलाश्रय भोपाल से दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल होशंगा मार्ग पर आदिवासी ग्राम मियापुर के निकट स्थित है। यहां जाने के लिए भारत के विभिन्न स्थलों से रेल मार्ग द्वारा भोपाल या होशंगाबाद तक पहुंचा जा सकता है। वहां से बस के द्वारा भोपाल और यहाँ की एक रेलवे क्रॉसिंग तक आ सकते हैं। यहाँ से इस स्थल के लिए लगभग 3 किलोमीटर की पहाड़ी पैदल यात्रा की जा सकती है या अपने निजी वाहन से भी आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। भीमबेटका के शैल चित्रों एवं शिलाश्रयों की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा सन 1957-58 में की गई थी। इनमें 750 शिलाश्रय हैं, जिसमें 500 शिलाश्रय चित्रों द्वारा सुसज्जित है। यह स्थल पूर्ण पाषाण काल से मध्य ऐतिहासिक काल तक के मानव गतिविधियों का केंद्र रहा था। शैल चित्रों के विषय मुख्यतः रेखांकित मानव कृति, शिकार, सामूहिक नृत्य, पशु पक्षी, युद्ध एवं प्राचीन मानव के दैनिक क्रियाकलापों के दृश्यों पर आधारित है। इस शिलाश्रय की विशालता के कारण श्री वीएस वाकनकर सर द्वारा इस शिलाश्रय का नाम सभागार दिया गया, जिसे हम ऑडिटोरियम कह सकते हैं। स्थानीय लोग इसे हाथी दरवाजा भी कहते हैं। यह गुफा लगभग 39 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है तथा 17 मीटर तक ऊंची है। इस शिलाश्रय में लगभग 17 स्थानों पर प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं, जो कि हल्के व चटक लाल रंगों से निर्मित है। तो देखिए कितनी विशाल गुफानुमा ये संरचनाएं यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं मानव इतिहास का जो एवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, 400 लाख वर्ष पूर्व से लेके होमो सेपियन 35,000 वर्ष पूर्व तक के चित्रण किया गया है। और यहाँ पर लगभग इस कैटेगरी के लोगों के बनाए हुए शैल चित्र है। और ये जंगल है, पीछे आपने रॉक देखी है, और भी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये रास्ता जंगल में से होते हुए जा रहा है। सवाल ये है कि इतना पुराना शैल चित्रण जो किया गया, इतना टिका कैसे? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं खनिज रंग के साथ पशुओं की चर्बी, पानी, पेड़ों से प्राप्त प्राकृतिक गोंद का प्रयोग किया गया है। जल व अन्य द्रव्यों की उपस्थिति में खनिजों को लगाकर उसका ऑक्सीकरण हुआ, परिणाम के स्वरूप पत्थर के सतह पर वो रंग जम गया। तो वो आज तक इस तरह से बना हुआ है, जो मिटा नहीं है। ये रॉक पेंटिंग है।
इन सभी चित्रों को देख के लगता है कि इतने पुराने समय में भी लोग कला से जुड़े हुए थे, शिकार करके खाते थे, और वो सभी कलाएं विकसित धीरे धीरे हो रही थी जो अभी पूर्ण रूप से हो चुकी है। तो कलाकार तो थे यार पहले।